अभी तो बंद किया था मैंने। अरे क्या हो गया इसे? सपनों का शहर मुंबई, पर इस शहर में सपनों से ज्यादा घरों में रहने की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी पेइंग गेस्ट बनकर तो कभी किसी के साथ रूम शेयर करके। कुछ ऐसा ही किस्सा था अवनी और निक्की का, जो काफी दिनों से एक दूसरे के साथ रह रही थी। उनके जीवन में डर की ये सच्ची तस्वीर तब सामने आई जब दोनों को एक नए घर में शिफ्ट होना पड़ा। 3 बेडरूम का ये घर उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गया, लेकिन उसका किराया एडजस्ट करने के लिए अवनी ने अपनी स्कूल की एक और फ्रेंड विशाखा को अपने साथ रखने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के छोटे शहर से आई विशाखा मुंबई में अपने लिए नौकरी की तलाश में आई थी। मेरे शूज। अवनी, मेरे शूज लेके क्या? नहीं यार, मुझे खुद का सामान नहीं मिल रहा है। I just hate it यार, सारा घर मेस में पड़ा हुआ है और मुझे जॉब के लिए जाना है, 2 दिन का ऑफ भी नहीं ले सकती। बहुत मूड में, ये सब कब सेटल कर पाऊंगी? I know यार, मेरे ऑफिस की भी डबल शिफ्ट चल रही है और बॉस ने ना छुट्टी देने से साफ मना कर दिया है। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड, व्हाट्स हर नेम? विशाखा। या कब आ रही है वो? बस आती होगी, अक्षय लेने गया ना उसे। ओहो, बॉयफ्रेंड को ड्यूटी, क्या बात है। आई होप वो थोड़ी क्लासी होंगी, हाँ, क्योंकि ये स्मॉल टाउन की लड़कियां आ तो जाती है मुंबई, लेकिन रह जाती है वही की वही बहन जी। और तुम तो जानती हो मुझे दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे निकी, चिल करना, तू क्यों टेंशन ले रही है? विशाखा एकदम सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, एकदम सिंपल सीधी, स्कूल टाइम से जानती हूँ मैं उसे। चलो चलो, लेट हो रहा है। लो, आ गई हमारी तीसरी रूममेट। द डेविल नेम एंड द डेविल अपीयर्स। हे विशाखा, कैसी है? अरे कितने सालों बाद मिल रहे यार, गुड टू सी यू, सीरियसली। पूरे 8 साल हो गए। वैसे थैंक यू अक्षय को स्टेशन पे भेजने के लिए, ये नहीं होते तो पता नहीं हम यहाँ तक कैसे पहुँच पाते। अरे इसलिए तो भेजा था ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अच्छा विशाखा, ये है निक्की, मैडम एयर हॉस्टेस है। हाय। और निक्की, ये है विशाखा। आई नो। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। और हाँ, अपनी फ्रेंड से कह देना कि मेरा वॉशरूम यूज ना करे, आई डोंट लाइक इट। अरे विशाखा, ये निक्की ऐसे ही है, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, इसे थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड बनाने में। कोई बात नहीं अपनी। अरे स्वीट हार्ट, अब सारी बातें ही बाहर करती रहोगी या विशाखा को लेकर अंदर भी चलोगी? चले, इसे मैं ले लेता हूँ। एनीवेज, आज तो तुम घर पे ही रुकने वाली हो, मैंने तुम्हारे लिए सेकंड हैंड अलमीरा ऑर्डर कर दी है, उसे तुम्हारा नंबर भी दे दिया है। आज से तुम इस घर को अपना घर ही समझो, एवरीथिंग इन द हाउस इज ऑन द हाउस। ठीक है मैडम, अब चले। जी चलो। हाय बाय, सी यू।
अक्षय या थैंक यू। अरे बॉयफ्रेंड है मेरा, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड इसकी फ्रेंड। चल तू रेस्ट कर, बाय, टेक केयर, बाय बाय, लेट्स गो। चल हेलो मैडम, हम अलमारी लेके आए हैं। हाँ भैया, आप ऊपर आ जाओ। जी मैडम। हाँ भैया, अंदर लेकर आ जाइए। और शाम को जब सब घर लौटे तो विशाखा पहले ही सब सेट कर चुकी थी। वाह, सुपर्ब यार। वेरी नाइस। ये तो विशाखा ने कमाल कर डाला। विशाखा, थैंक यू यार, घर को इतना अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि विंड चाइम को सेट कर दे। मेरी मॉम ने स्पेशल भेजा है, वो कह रही थी कि इसे घर में लगाने से ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। ये देखो,
ये तो बहुत सुंदर है। बस एक ही तो मतलब अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है कि उन्होंने एक ही विंचाय भेजा। वो क्या है ना, उनका बस चलता तो पूरी बिल्डिंग के लिए भेज देती, मुझे पूरी बिल्डिंग के हर एक फ्लैट में जाकर लगानी पड़ती। अक्षय अरे मतलब अरे सुनो 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 रुको रुको अच्छा रुको रुको मतलब मैं कह रहा था विशाखा से कि तुम्हारी मॉम जो है तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास रखती है। कोई शक? शक नहीं है, सीरियसली। एंड विशाखा सीरियसली बहुत नॉलेज है इन सब चीजों की उन्हें, राइट? या अब जब उन्होंने ये भेज ही दिया है तो लगाना तो पड़ेगा ही। लाओ तो इसे लगाएगा अक्षय। तो कहां लगाया जाए, कहां लगाया जाए, कहां लगाया जाए इसे? नहीं नहीं नहीं, हाँ यहां लगाते हैं गेट के पास, इससे नेगेटिव एनर्जी भी एंटर नहीं होगी। कैसा है? वेरी नाइस। लो निकी भी आ गई। तुम्हारी मदर इन्होंने भेजा है ना? करेक्ट। अरे निकी देखना, विशाखा ने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट कर दिया यार। व्हाटएवर। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। अगले कुछ दिन विशाखा उस घर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती रही। अवनी के साथ बचपन की दोस्ती थी, पर निक्की के साथ दोस्ती तो क्या, आई हेलो भी मुश्किल से होती। और जब अवनी ने विशाखा को अपने कॉल सेंटर में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए रेकमेंड किया तो निक्की ने उल्टा विशाखा का मजाक बनाया। विशाखा विशाखा विशाखा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हमारे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है, तुझे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया यार। थैंक यू। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, कि अब मैं एक रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लैट शेयर करूंगी। यक्स, कि निक्की भी ना। अवनी की रिकमेंडेशन पर विशाखा को कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, पर अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से विशाखा को ये जॉब नहीं मिल पाती। यही नहीं, घर पर भी विशाखा को काफी मुश्किलें आ रही थी। जॉब न मिलने के कारण विशाखा को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, जिससे निक्की को कोई लेना देना नहीं था। निक्की, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इसमें जो क्रीम शैम्पू और कॉस्मेटिक है वो तो बहुत महंगा है, और हम ये सब इस्तेमाल भी नहीं करते। That's not my problem, okay? घर का ये रूल है कि ग्रोसरी लिस्ट में जो कुछ भी हो वो तीनों में बराबर शेयर होगा, चाहे तुम यूज करो या ना करो। पैसे नहीं है हमारे पास, हमें 2 दिन का टाइम दो, उसके बाद ही हम दे पाएंगे। फाइन, लेकिन दोबारा ये चिपस्टर ग्रीन मत दिखाना, और 100-200 का अगर हिसाब रखना है तो जाकर किसी चौल में रहो। विशाखा के लिए मुंबई में एडजस्ट कर पाना काफी कठिन हो रहा था। अवनी जिन बातों को निक्की की आदत कहकर टाल रही थी वो विशाखा के लिए बदतमीजी साबित हो रही थी। और अगले दिन अवनी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करने में विशाखा ने अक्षय की हेल्प की।
क्या पहनूं? ये वाला भी नहीं, इतने सारे लोग होंगे वहां, अक्षय भी होगा और कुछ है ही नहीं पहनने को, कुछ अच्छा ही देखना पड़ेगा। नहीं है। हाँ, ये सारा कमाल तो तेरे इस लवर बॉय का था, हमने तो बस इसकी हेल्प की है। एंड फॉर यू स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे अवनी। ओ माय माय, वैसे तुम्हें पता तो है ना आज अवनी का सिर्फ बर्थडे है, तैयार तो ऐसी होके आई हो जैसे किसी की शादी में आई हो। विकी स्टॉप इट यार, चलो चलो सब पार्टी एंजॉय करते हैं, कम आओ। वैसे पक्का ये सारी तैयारी तुमने इस बर्थडे के लिए की है, किसी को दिखाने या इम्प्रेस करने के लिए नहीं? हम्म, हाँ।
होगी। मॉम ने कहा था कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये टूट जाएगा। हाँ तो है ना तेरी वो विशाखा। शट अप निकी। स्वीट हार्ट आज के दिन भी कहाँ तुम इन फालतू बातों पर ध्यान दे रही हो। आज तुम्हारा बर्थडे सारे फ्रेंड्स आए चलो ना एंजॉय करते आओ। बात है विशाखा बर्थडे मेरा है और बर्थडे गर्ल तुम लग रही हो। थैंक्स अपने वेलकम। हे विशाखा लुकिंग रियली वेरी नाइस। थैंक्स एंड यस पार्टी के अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हुए। अक्षय और देख लेना सफाई भी बड़े अच्छे से करेंगे। काफी ट्रेन लगती है बाई वाले कामों में। सॉरी विशाखा लेट्स कट द केक। आओ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे विशाखा तुम्हारे फेस पे केक लग गया। कोई बात नहीं रिलैक्स। मेरी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी के दिन पहली बार हम सब ने विशाखा का वो बदला हुआ रूप देखा था। पर मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि उसके मन में अक्षय को लेकर कोई अट्रैक्शन है या मुझे लेकर कोई जेलेसी। इनफैक्ट उसी दिन अक्षय ने उसको एक एड एजेंसी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के बारे में इन्फॉर्म किया था। हम सब तो उसे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे थे लेकिन शायद निकी को उसके बदले हुए एटीट्यूड का पता लग गया था इसीलिए वो विशाखा से थोड़ा ज्यादा रूड हो गई थी। अक्षय के लिए विशाखा की दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अवनी इस बात से बेखबर थी लेकिन विशाखा का जूतों के प्रति लगाव देखकर उसे अजीब भी लगता था लेकिन उसने उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। निकी को इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए प्रमोट किया जाता है लेकिन तभी निकी के साथ एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया लेकिन उसे विशाखा की कुछ हरकतें खटक रही थी। विशाखा के लिए मैं और अक्षय बहुत खुश थे। अक्षय को उसकी सादगी बहुत अच्छी लगती थी। वो कहता भी था कि विशाखा बहुत इनोसेंट है लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाए कि इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की के मन में क्या है। निकी ने मुझे एक दो बार बताने की कोशिश की थी पर मैंने उसे सीरियसली लिया नहीं। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर। जी वाली एक्टिंग किसी और के सामने करना मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। हाँ अक्षय अवनी का बॉयफ्रेंड है प्यार करते हैं वो एक दूसरे से और तुम टेलीपैथी अक्षय को हिट कर रही हो कीहोल से उन पे नजर रख रही हो। हाउ डिस्कस्टिंग। अक्षय तुमसे सिर्फ इसलिए बात करता है
क्योंकि तुम अवनी की फ्रेंड हो, वरना तुम जैसे बहन जी को तो वो देखता भी नहीं। निकी प्लीज बस करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोले जा रही हो। तुम्हें सब पता है स्वीट हार्ट, वो कपड़े धोने की बात पर आई डोंट माइंड, डिनर टेबल पे घूर घूर के देखना सब देख रही हूँ मैं। अगली बार अगर तुमने अक्षय के करीब जाने की कोशिश भी की ना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। अरे इसे अभी तो बंद किया था मैंने। अरे क्या हो गया इसे? निकी की इस तरह अचानक हुई डेथ से हम सब बहुत परेशान हो गए थे। कैसे और क्यों ये सब हुआ कोई समझ नहीं पा रहा था। पुलिस की छानबीन भी जारी थी, इसीलिए आए दिन हमें पुलिस स्टेशन जाना आना पड़ रहा था। इस हादसे से मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो चाहती थी कि मैं और अक्षय जल्द से जल्द शादी करके सेटल हो जाए और उस घर को छोड़ दें। उन्हें लग रहा था कि उस घर में कोई प्रॉब्लम है। मम्मी की बातें सुनकर मुझे भी लगने लगा था कि उस घर में कोई प्रॉब्लम है जिसे शायद मैं अनदेखा कर रही हूं।
क्या हुआ अपनी? ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना। मैं और अक्षय शादी कर रहे हैं। देखो निक्की के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ हमें नहीं पता। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और मेरी मॉम इन सब बातों से बहुत परेशान हो गई। वो चाहती है कि लाइफ में मैं सेटल हो जाऊं, इसलिए मैं और अक्षय शादी कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। शादी? क्यों, तुम खुश नहीं हो मेरे लिए? नहीं। मेरा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अकेले कहां जाऊं। कोई कहीं नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर आप, कुछ मिला आपको? जी हाँ, निक्की के मर्डर केस का एक अहम सबूत हमारे हाथ लगा है और निक्की का मर्डर एक सैंडल के हिल से हुआ है और वो सैंडल हमने ढूंढ निकाला। ये रहा वो सैंडल। व्हाट? ये तो मेरी सैंडल है। जी हाँ, और विशाखा जी ने इस बात की गवाही भी दी है। अरे मैंने तो बस यही कहा था कि अब हील्स आपने के हैं। ये तो नहीं कहा था कि मर्डर इसने किया है। लेकिन मर्डर इसी सैंडल से ही हुआ है। आप चलिए हमारे साथ। लिसन इंस्पेक्टर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, 4 साल से एक दूसरे के साथ थे और जिस दिन उसका मर्डर हुआ मैं घर पे थी भी नहीं। देखिए आपका जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। एक मिनट, हेलो अक्षय, पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। मैडम प्लीज कोऑपरेट कीजिए वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हवलदार लेके चलो इन्हें और फोन भी छीन लो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अपनी तू टेंशन मत ले, मैं अक्षय को बुलाऊंगी। तू टेंशन मत ले अपनी, मैं बुलाऊंगी अक्षय को। तू परेशान मत हो, मैं बुलाऊंगी, अक्षय जरूर आएगा। हेलो। बताओ भला, ये अपने को समझना चाहिए था ना, वो मेरे और अक्षय के बीच में आने की कोशिश कर रही थी। वो निकी की तरह मुझसे बर्ताव नहीं करती थी, तभी तो जिंदा छोड़ दिया मैंने उसे। लेकिन मेरे और अक्षय के बीच में कोई नहीं आ सकता था। और पता है क्या, वो मुझे बार बार कहती थी उसे शादी करके ससुराल जाना है, तो मैंने उसे परमानेंटली ससुराल भेज दिया। विशाखा, विशाखा क्या हुआ अवनी को? उसका फोन आया था कि पुलिस आई और फिर अचानक से फोन कट गया। इसी ओके पुलिस ने कहा है कि निकी का मर्डर अपनी ने किया है, वो इसलिए उसे लेके गए हैं। मेरी अपनी ऐसा नहीं कर सकता, बकवास है। जरूर पुलिस को एक गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। अक्षय मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन उनके पास सबूत है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है अक्षय, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर भी तुम ये सब सी
कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैं तो समझता था कि तुम एक अच्छे और साफ दिल की लड़की हो। तुम ये सोच ही बंद कर सकती। नहीं अक्षय, मेरी बात सुन लो। देखो अक्षय, मेरी बात सुनो। अक्षय, आई लव यू। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुम। तुम अपनी, मैं पुलिस स्टेशन गया था और उन्होंने कहा कि तुम घर चली गई हो। मुझे विशाखा से बात करनी थी। सॉरी टू से अवनी, पर ये जो तुम्हारी फ्रेंड है बहुत ही घटिया इंसान है। तुम्हारे अरेस्ट होने के बाद जब मैं घर गया तो ये मेरे गले पड़ गई और कहने लगी मुझसे प्यार करती है एंड ऑल दैट। व्हाट? अक्षय, मुझे लगता है कि निकी की डेथ में उसी का ही हाथ है। इनफैक्ट आई एम श्योर कि निकी को उसी ने ही मारा है। देखो अवनी, तुम प्लीज केयरफुल रहो, मैं अभी वहां आता हूँ। ओके ओके वापस का भाई, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए और फिर छोड़ दिया। मैं ऐसे कैसे छोड़ दिया? हर बार तुम वापस आ जाती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। ईशा भाई, क्या करे तुम? पता है अक्षरा मेरा है और हम दोनों के बीच में जो भी आएगा उसकी जान ले लूंगी। अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी नहीं दे सकती। नो, आ जा। आसानी से मुझे अपनी जान दे दो, नहीं तो तड़पा तड़पा के मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भी नहीं है।
करोगी? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। See you. इसमें बांध दो और कहीं पर ऐसी जगह फेंक कराओ कि दोबारा किसी को ना मिले। चलो मे
मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था वो, जिसके बाद से यूज किए हुए कपड़े और जूतों के बारे में मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई। मॉम अक्सर कहती थी कि किसी की पहनी हुई चीज यूज नहीं करते, पर उसका मतलब तब समझ आया। निकी को तो खो दिया, पर अक्षय अभी भी मेरे साथ है। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। विशाखा उस दिन के बाद वापस अपने शहर लौट गई। वो कहाँ है, क्या कर रही है, आई जस्ट होप वो जहां हो ठीक हो। हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के अनुसार आदमी जब भी कोई कपड़ा या जूते चप्पल पहनता है तो एक तरह से वो उसकी अपनी जिंदगी और अपने भाग्य का एक हिस्सा बन जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी पहनी हुई चीज आपको इतनी प्यारी होती है कि मरने के बाद भी आपका एक अंश उस चीज से जुड़ा रह जाता है। उन्हीं की जिंदगी में जो हुआ वो इसी बात का नतीजा था।